मतलब अगर देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, 4 ट्रिलियन वहां से आएंगे रिवरडेल से, रिवरडेल की इकोनॉमी क्या करके बढ़ रही है भैया, जरा थोड़ा सा 250 का पेट्रोल डाल देना मेरी गाड़ी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं हूँ दोस्तों शुभम। हम दोनों अभी भी आदि पुरुष की मार से तो बाहर निकले नहीं है, नए नए स्टेटमेंट एरोगेंट आए जा रहे हैं अपने मुंतशिर भाई के, लेकिन बावजूद उसके नया दुख हमें ये मिला है कि इतने सारे ट्रेलर्स और टीजर्स की बौछार हो गई है और उससे पता चला हम कितने गरीब हैं, कितने पिछड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्च का ट्रेलर। मार्च का ट्रेलर देख के हमें एहसास हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे दादा परदादा थे, जरा मेहनत नहीं की उन्होंने। नहीं, उन्होंने नहीं की तो की, भारत सोने की चिड़िया 1964 में भी था। वही कह रहा हूँ, उन्होंने जरा मेहनत नहीं करी। मतलब अगर आपको कहीं भी कोई भी ये बता रहा है बेटा हम तो ऐसे लाइफ जिए, नहीं तो आपकी गलती है, आपकी गलती है, क्योंकि 1964 में तो भारत बर्गर खा रहा था। रिवरडेल नाम का एक हिल स्टेशन हुआ करता था, वहाँ हम क्यों बर्गर चलते थे, बर्गर चलते थे, शेक चलते थे। मतलब ऐसे ग्लास आज भी आधे हिंदुस्तान में नहीं पहुंचे जैसे रिवरडेल में 1964 में पूरा व्हिप्ड क्रीम वाला शेक। मेरे दादा परदादा मुझे कहानी सुनाएंगे अगर अब आके कि भाई हम तो रेडियो पे सुनते थे, मैं बोलूंगा वापस जाओ। उस समय अच्छे म्यूजिक सिस्टम हुआ करते थे भाई। अरे रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल चलता था स्कूलों में 1964 में। कोई बोल दे मेरा कि हमारे स्कूल के ऊपर, हमारे तो दरी थी स्कूल में, मैं भी नहीं बोल सकता अब तो भाई कि हमारे स्कूल में छत से बारिश के पानी आता था, स्कूल में डांस होते थे यार। भाई ये सब मतलब विदेशी चीजें भारत में रिवरडेल नाम के एक हिल स्टेशन पे दिखाई गई हैं 1964 में। ऑफ कोर्स सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे आप जो मर्जी करें, लेकिन कहीं कुछ तो रिलेटेबिलिटी एक हो। इतने सुंदर बच्चे सारे के सारे, पहले तो मतलब इतने अच्छे से बाल कट रहे हैं यार। तब जो फिल्में बनती थी उसमें यही होता था ना कि अमिताभ बच्चन गरीब होता था, बदतमीज होता था गरीब के साथ, वो अलग बात है, लेकिन पहले गरीब होता था तो पूरा देश रिलेट करता था कि गरीब है। अब हमें बदतमीज बनना है इसकी तरह, एक जैसे कोई 2 रुपए तेरा फेंके हुए नहीं उठाने, मम्मी से बदतमीजी, पापा से बदतमीजी, तो देश उस समय गरीब और बदतमीज होता था। लेकिन ये अलग लेके आया कि 1964 में देश इतना अमीर था कि रॉक एंड रोल का जमाना था, फ्रेंड्स थे स्कूल में। भाई मैं तो इसी पे बात नहीं कर पा रहा हूँ यार, हिंदुस्तान में जो टीजर का है, ट्रेलर का 1.5 मिनट का जो भी वीडियो है उसमें अगर वो 1.5 मिनट का है तो आराम से 75 सेकंड तो उसमें ये ये नहीं रुक रहा है भाई। अब इसके बाद कोई भी अगर नेहरू से कोई सवाल उठाएगा तो पॉइंटलेस है, बेसक के मारना उसके ऊपर। हाँ, ये सबसे बड़ा वो है कि आजादी का अमृत महोत्सव बेसक कब आया हो, लेकिन आजादी का वो एक अमृत से भी बड़ा काल जो था वो 1964 में चल रहा था, क्योंकि रिवरडेल नाम के हिल स्टेशन में 1.5 मिनट से 75 सेकंड तक ये चल रहा था। उधर सारे बच्चे वेल ट्रिम्ड ग्रूम्ड, ये वो एक अच्छे, से एक मतलब वाले वो स्किन प्रॉब्लम वो क्या होती है, एक्ने वो क्या होता है, क्या होता है 1964 में इंडिया के सारे टीनेजर, भाई टीनेजर तो यही होते हैं, टीनेज का मतलब क्या है, थोड़ा पुंसी। साइंस की बुक में लिखा होता है कि नई नई जगह बाल आएंगे, भाई पुंसी आएंगी ये कौन बताएगा, हार्मोनल चेंजेस होंगे आपके, पुंसी आएंगी आपके। हार्मोनल चेंजेस का पहला मतलब ये है कि स्किन की, लेकिन इनकी तो स्किन भी फुल एकदम रॉक एंड रोल कर रही है, इतनी अच्छी स्किन के साथ बर्गर चल रहे हैं, शेक चल रहे हैं, स्केटिंग चल रही है, सब चल रहा है भाई, सब मतलब भाई। इसको देख के अंग्रेज चले गए थे। शिट सब सीख गए निकल लो। ये तो हमसे ज्यादा अंग्रेज लग रहे हैं, चलो चलो। Hey, Mountbatten, let's go back. हिंदुस्तान तो हमसे ज्यादा अंग्रेज हो चुका है, पूरे भारत में कोड़े बरसा रहे थे, फिर एक दिन रिवरडेल गए, हिंदुस्तान थोड़ा की कर चुका है, let's go. वहाँ से बाहर निकल लिए। एक तरफ आरआरआर चल रही थी 30 साल पहले, एक बच्ची को बेचारे अंग्रेज दे गए थे और यहाँ बच्चे देखो, उसके चक्कर में अपने कुंगरम भीमुरों को कहाँ से कहाँ आना पड़ा था यार। दो भारत में एक्चुअली इन्होंने इंडिया दिखाया जो 1964 में भी था, और रिवरडेल नाम के हिल स्टेशन पे इतनी तरक्की, इतना ज्यादा वैभव, मतलब अगर देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, 4 ट्रिलियन वहां से आएंगे रिवरडेल से, रिवरडेल की इकोनॉमी क्या करके बढ़ रही है भैया, जरा थोड़ा सा 250 का पेट्रोल डाल देना मेरी गाड़ी में। मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ इनके वंशज कहाँ है, अगर उस समय ये हो रहा था तो कौन है, क्या इनकी संतान रेमो डिसूजा बनी है? ऐसा हुआ था ना, बंदर से इंसान बना था तो उसको लगा मान ले 1 करोड़ साल, इनके वाले 75 करोड़ साल में हो गए थे, 50 लाख साल में हो गए थे। आजादी के 17 साल में इतनी तरक्की, मतलब वहां पे यार मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ यार। बर्गर यार और शेक, ये बर्गर और फ्राइज का कॉम्बिनेशन होता है सच में, मुझे बाद में पता चला, मुझे पहले बर्गर जब मैकडी मैकडी जाना कब वो सौभाग्य प्राप्त, अच्छा बर्गर फ्राइज का कॉम्बिनेशन है, और मैकडी में भी अलग मिलते हैं, आप मैकडी से भी एक महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि अच्छा बर्गर और फ्राइज का कॉम्बिनेशन होता है, वरना मैकडी तो दोनों के अलग अलग पैसे लेता है। तो हमें फ्राइज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, फ्राइज मैकडी का, लेकिन रिवरडेल में
बर्गर या शेक ओ फ्राइज साथ में भाई म्यूजिक चला दे। 1964 में मतलब ये तो वो टाइम था, अभी चाइना से हारे थे, देश रो रहा था, ऐ मेरे वतन के लोगों, बहुत बड़े गेहूं नहीं था अपना यार, ट्रैक्टर वैक्टर भी आ रहे थे नए नए, गेहूं किस लिए, विदेश से भीख मांग के गेहूं लाए, इनका बर्गर बन रहा है, इधर इनका बर्गर बन रहा है, वहाँ चार आदमी गाँव में भूखे पेट सो रहे हैं, इधर क्यों, क्या रिवरडेल के लोग बर्गर खा के रॉक एंड रोल कर सके, बहुत बड़े बड़े उनको लॉन्च किया जा रहा है इस फिल्म से, स्टार किड्स को, ये इसका तो आई थिंक ऑडिशन ही वैसे हुआ कि स्किन किस किसकी क्लियर है, ए पुंसिया आउट, नीचे कुछ लग रहा है, मेकअप करके आया, हाथ मार इस बात मार आउट, क्लियर स्किन, बढ़िया बाल आपके, मतलब इस फिल्म में ऑडिशन का सिलेक्शन का एक ही पैरामीटर था, जनरेशनल वेल्थ, अगर आप शक्ल से लगते हैं कि भाई 1964 में भी अमीर, भाई उस टाइम पे ऐसा होता था कि दस्त लग गए तो आदमी मर गया, इन चीजों का इलाज नहीं था, हमारे हाल इतने खराब थे, पहले तो गांव में किसी को सांप ने काट लिया तो कोई वैक्सीन मर जाते थे भाई लोग, नया नया देश आजाद हुआ था, विभाजित हुआ था, मुश्किल हालात थे हमारे देश के, हाँ पड़ोसियों से हमारी बन नहीं रही थी, हाँ, पड़ोसियों में डराए धमका रहे थे, कर्जे हमारे पे बहुत ज्यादा थे, हमारे ऊपर थे यार, 50 दिक्कतें चल रही थी, लेकिन रिवरडेल में बर्गर लेके एक हाथ में शेक लेके 10-12 लोगों के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या फ्रेंडशिप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, वहाँ गाँव में किसी के सांप ने काट लिया मर गया, रिवरडेल में हमारा हार्ट ब्रेक हो गया, हार्ट ब्रेक 1964 में किसी की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है यार, कल सुबह खाना क्या है वो नहीं पता है, उनका तो बर्गर था ना, उनका बर्गर से एक पीस, अब उनकी प्रॉब्लम हार्ट ब्रेक है सबसे बड़ी, फ्रेंड्स से बात करनी बंद कर दी, अरे भाई हमने अभी वो देखा था रॉकेट बॉयज एग्जैक्टली, देश पे हथियार बनाने के लिए जुगाड़ करना पड़ रहा था देश को, कभी देखा होमी भाभा को बर्गर खाते हुए, वो तो देश के टॉप 1% में आते थे, नंबर 1 साइंटिस्ट देश के, उनकी सीधे सरकारों से बातचीत, वो भी भाई जुगाड़ से चीजें बना रहे, लेकिन यार रिवरडेल में रॉक एंड रोल करते हुए बर्गर पिज्जा चले, नेहरू जी को यहाँ बर्गर खाने के लिए दूर जाना पड़ता होगा, बिल्कुल जाना पड़ता है, जाना पड़ता होगा, रिवरडेल का पता नहीं था, टंका का पता नहीं था, रिवरडेल सोने का था क्या है, हम बहुत एक्साइटेड हैं हर चीज देखने के लिए कि कैसा निकलेगा, शाहरुख खान की बेटी का उसमें डेब्यू होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, खुशी कपूर का लॉन्च होने वाला है, और बिग लॉन्चेस, अमिताभ बच्चन के नाती इसमें पोते आ रहे हैं, और भी कई सारे लोग, कई सारे होंगे जिनका हमें नहीं पता, हाँ, लेकिन मुझे लगता है सब तो वही सब बड़े जनरेशनल वेल्थ, जनरेशनल वेल्थ वाले हैं मिनिमम, मतलब लोन क्या होता है किसी के बाप को नहीं पता होगा, ईएमआई की ईएमआई क्या होती है, वो क्या रेपो रेट क्या चल रही है, उनका क्या है, उनका कोई मतलब, आप व्हिप्ड क्रीम वाला शेक पी, तो दूसरी फिल्म जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये फिल्म भी कब से बन रही थी, द फिल्म दैट कैप्ट धर्मजी डॉक्टर्स बिजी, इनको हर दिन धर्मजी हैं भाई, उम्र दराज आदमी है, और हर दिन उनसे काम कराना, मतलब अगर चाइल्ड लेबर जैसी कोई चीज है तो ओल्ड एज लेबर भी कुछ होनी चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए कि इसके ऊपर वाला आप काम नहीं कर सकते, लेकिन वो इस इंडस्ट्री में तो चाइल्ड लेबर को भी सेलिब्रेट किया था, व्हाट्सएप चलाइए, फॉरवर्ड कीजिए, बताइए आदि पुरुष कहते हैं अच्छी फिल्म है, कौन लोग हैं जो उसे खराब बताना चाह रहे हैं, ये आपका काम होना चाहिए 75 के बाद, और धर्म जी तो आई थिंक 90s पहुंचने वाले हैं, उनसे अभी भी काम कराया जा रहा है, तो ये एक तरीके की रोम कॉम ड्रामा, वो लार्जर देन लाइफ उस तरीके के फैमिली ड्रामा जो होते हैं, मतलब काफी इसके पैरेलल्स ड्रॉ करे जा रहे हैं कि कभी खुशी कभी गम टाइप की फिल्म होने मतलब वही जैसे करण जौहर की जो पुरानी फिल्मों का फ्लेवर हुआ करता था, लेविश सेट्स के साथ, अगेन करण जौहर को क्या लगता था, करण जौहर को क्या लगता था कि देश में तो सब अमीर ही हैं, गरीब तो हमारे रामू काका नहीं है, वो मैं उनका घर देख लो, 2 BHK हमने अपने बंगले में उनको दिया हुआ है, अच्छा अमीर लोग की प्रॉब्लम क्या है, भाई प्यार नहीं हो पाया, रिलेशनशिप्स उनके सिर्फ रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, और उनकी लाइफ को सब सॉर्टेड होता है, पर हमारा ये होता है रिलेशनशिप एंड गोल होता है, भाई इतना पैसा कमा ले कोई लड़की हाँ कह दे, आम आदमी का तो यही होता है, पैसा वैसा कमा के सोच अब शादी कर ले, अब शादी कर ले तो आपको हाँ कह देगी, उनका क्या पैसा वैसा तो सॉर्ट है, अगेन जनरेशनल वेल्थ वो तो है, अच्छे बड़े घर है भाई, वही सुंदर वाले घर, बड़े झूमर वाले जिनमें सुबह 9 बजे जागरण से बड़ी पूजा होती है, मतलब जो हमारे शहर का सबसे बड़ा जागरण होता है, इतनी तो रोज सुबह होती है, इतने 50-60 लोग आके पूजा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो वो बड़े बड़े ग्रैंड स्केल पे सब कुछ दिख रहा है अब, लेकिन इसका भी सिर्फ टीजर ही है, तो कहानी वानी का ज्यादा कुछ आइडिया है नहीं, कपल है, कपल में झगड़े हैं, फैमिलीज में कुछ लड़ाइयां हैं, और एंड में आके वही होगा जो अपना फास्ट एंड फ्यूरियस में होता है, फैमिलीज एवरीथिंग, मतलब ये इस विचार को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाएंगे कि पापा बुरे हो सकते हैं, मम्मी बुरी हो सकते हैं, ये सब काम अपने अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी, कुल बीच में रोनित रॉय खड़े हैं, बीच में रोनित रॉय, बुरा पिता तभी हो सकता है जब वो रोनित रॉय हो, मैंने पूछा था भाई ये सवाल उससे, रोनित रॉय से, मैं एक वीडियो के लिए मिला था अपने चैनल पे पढ़ा हुआ, मैंने पूछ लेना सर इतने खराब पिता क्यों, अरे यार अभी कैरेक्टर ही ऐसे मिलते हैं,
हाँ मतलब पूरी फिल्म में सब कुछ भी अच्छा हो रहा होगा ना, ये आदमी ये आदमी ऐसे फादर बुरा होगा। इफ टॉक्सिक फादर हैड अ फेस, मतलब उड़ान से पहले लोगों को अपने बाप अच्छे लगते थे, उड़ान आई फिर इंटरनेट पे किसी ने बोला टॉक्सिक फादर, वो टॉक्सिक फादर का बड़ा वैसा वहां से भाई बापों का वो खराब हो गया। लेकिन ये फिल्म ऐसी कुछ भी बात नहीं करती दिख रही है, ट्रेडिशनल करण जौहर ने जैसी फिल्में बनाई हैं उसी तरीके की और ढेर सारा पैसा लगा के एक बनाई हुई फिल्म लग रही है। काफी टाइम से बड़ी स्टार कास्ट के साथ, हाँ आलिया भट्ट को इस बार पेयर किया रणवीर सिंह के साथ, रणवीर सिंह के लिए मुझे लग रहा है बहुत क्रूशियल फिल्म होने वाली है क्योंकि बहुत रिसेंटली बहुत बड़े-बड़े फ्लॉप्स दिए हैं, बड़े अच्छे बड़े बजट की फिल्मों को फ्लॉप करवा दिया, इस लेवल के फ्लॉप दे रहा है कि स्टार स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट हुआ तो वो जियो सिनेमा से पिट गया। स्टार स्पोर्ट्स ने जब से रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया जियो सिनेमा बहुत आगे चला गया। WTC किसी ने नहीं देखा उन पे, सोचो उसकी व्यूअरशिप इतनी गिर गई, बहुत खराब हालात है बिल्कुल। और अब ये फिल्म डिसाइड करेगी कि करण जौहर का कमबैक कैसा होता है, हाँ। इसका करियर रणवीर सिंह का बचता है कि नहीं, मतलब उनके लिए तो बहुत ही क्रिटिकल फिल्म है बिल्कुल। कोई आदमी को होता नहीं जो चीज छूते सोन हो जाती है, रणवीर सिंह जो सूर है राख हो रहा हुआ आदि पुरुष के सेट पे चला गया, मुझे लगता है सोने की लंका कुछ हाँ काली हो गई बिल्कुल, कहीं से कुछ इन्होंने आदि पुरुष से भी ब्लेम डाल सकते हैं, उनका डाल सकते हैं जिस लेवल की पनौती आज की डेट में रणवीर सिंह बोल सकता है भाई, उसका तो यही चल रहा है ना, किसी पे मेरी कुछ गलती नहीं है, रणवीर सिंह आ गया था वहाँ पे सोने की लंका काली इसने करवा दी, बस यही बात एक पोएम की फॉर्म में बोल दो बस, और हंसते हुए आ गया मेरे सेट पे लेकर वो फिल्म का, ये ऐसे कुछ भी बस आप करके बोल दो चार लोग लो, क्या बात है। तो ये फिल्म भी ऐसी लग रही है, और एक और तीसरी आया भैया नेटफ्लिक्स पे आ रही है लस्ट स्टोरीज 2, जो ऐसा लग रहा है कि गंदी बात को अच्छे कैमरा से शूट कर दो तो कैसा लगेगा, महंगे प्लेटफॉर्म पे एक महंगे प्लेटफॉर्म पे और अच्छे कैमराज, अच्छी ऑनसेंबल कास्ट जिसे कहा जाता है, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, मतलब चार इसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स लिए हैं, चार अलग अलग स्टोरीज दिखाई हैं, जितना देख के समझ में आ रहा है कि एक तो कहीं कामवाली का कुछ चक्कर टाइप दिखाया गया है, एक चल रहा है कि पुराना अफेयर, पुराना अफेयर वापस से वो लोग वापस आ गए हैं, एक में दिखाया गया है कि नीना गुप्ता वो ये कह रही है कि भाई शादी से पहले जिसका रिश्ता आया उसके साथ जरा कर लो चेक कर लो, चेक कर लो, चेकिंग का प्रोसेस यहाँ तक पहुँच चुका है, और ये बातें परिवार में हो रही है। टेस्ट ड्राइव करते हो ना तो शादी से पहले नो टेस्ट ड्राइव, अगले जन्म हुए ऐसे ही परिवार में पैदा की जाए दादी दीजो भाई हमारे तो वैसा चलता है कि अब शादी फिक्स हो गई है, मिलना अब बात मत करो, मिलना नहीं है, यहाँ दादी कह रही है चेक कर लो, चेक कर लो, और हर किसी से कर लो, अगर आपके पास रिश्ता आए जा रहे हैं तो करे जाओ, दादी सीधे सीधे टिंडर के लिए कॉम्पिटिशन, टिंडर गार्डन खोला हुआ, टिंडर गार्डन खोला हुआ, इसमें सब आओ सब करो मजे लो, एक मृणाल ठाकुर की और मृणाल ठाकुर की बस हस्ती दिख रही है, हस्ती हस्ती सी वो दिखी है, और काजोल और कुमुद मिश्रा को दिखाया है, तमन्ना और विजय वर्मा को दिखाया है, तिलोत्मा को दिखाया है एक कहानी में, जिनकी मेड उनके घर में कुछ मेकआउट करती है, पहली बार ऐसा है कि तिलोत्मा को मेड नहीं बनाया गया है, कमेंट में पढ़ रहा था लोग लिख रहे थे कि सो हैप्पी टू सी हर डू मेनस्ट्रीम रोल्स, लेकिन ओवरऑल लस्ट स्टोरीज तो हमें आपको पता ही है, जो चार लौंडे बैठ के बातें करते ना उनको पैसे मिल जाए, वो अच्छा कैमरा मिल जाए और हीरो हीरोइन करने को राजी हो जाए, मतलब बॉयज कब तक ये डिस्कस करेंगे कि जो GDP गिर रही है पेट्रोल महंगा हो गया, कि अगर मान लो चलो लड़के आधे घंटे के लिए मिलते ना 3 से 4 मिनट में कायदे की बातें खत्म हो जाती है, और उसके बाद बिल्कुल मनोज मुंतशिर की तरह अगर बोलचाल की भाषा में किसी चीज की बात नहीं होती, बोल चाल की भाषा में अगर मैं कहूँ बिल्कुल भाई, अब सोचो उन लड़कियों का मैं नहीं पता, I'm sure उनके में भी भाषा के मर्यादा रंग कुछ भी रख ले, लेकिन बातें यही आ जाती है, बातें उनकी भी आती है खत्म होने के बाद यही है, अब सारी बातें कर ली, अब उस पे बात करते हैं, उस पे बात करते हैं, अब इन्हीं बातों करने वालों को आपने पैसे दे दिए, बड़े एक्ट्रेस दे दिए, बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, तो जो बन के आता है वो होता है लस्ट स्टोरीज 2। इस बार 2 का नाम उसे लग रहा है, आई होप भाई कुछ ऐसा सिनेमैटिक ब्रिलियंस इसमें दिखा दी जाए, हम गलत साबित हो, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बट अभी देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। और बाकी चौथा जो हमने देखा, मार्वल ने अपना नया एक और सुपर हीरो अनाउंस कर दिया है, क्रेवन, और इस बार उसको काट लिया भाई शेर ने हम ये डिस्कस करते आ रहे थे कि हमें मच्छर ही काट रहा बचपन से तो हम कुछ डेंगू मैन मस्कीटो मैन ही बन जाते हैं, तो बनते यार हाँ? ये अकॉर्डिंग टू मार्वल जानवर सुपर हीरो बनाते हैं, सुपर हीरो बनाते हैं, जानवर ने काटा है और वो बन गया सुपर हीरो, सुपर हीरो बन गया, कुछ विशेष परिस्थिति होती है कि इस एंगल से कटवाओ ऐसे दांत लगवाओ, तो क्या दिख रहा है इसके ट्रेलर में, और अब ट्रेलर में वही है कि भाई एक लड़का है और उसके पापा है, पापा टॉक्सिक पापा है, और उनका वही चल रहा है कि तुम्हारी मम्मी कमजोर थी तुम्हें कमजोर नहीं बनना और ऐसे ऐसे वाला, और फिर एक बेटे को शेर काट लेगा तो उसका अभी भी चल रहा है कमजोर साला शेर से कटवा लिया इसने अपना पापा को, इस बात से दुखे कि पापा एक शेर ने काट लिया उनके बेटे को, और वो उसके बेटे को कह रहे बता उन्हें देखो शर्मा जी के बेटे को देखो, शर्मा जी बेटे को देखो वो शेर मारता है, वो शायर है हेनरिक्स के बेटे को देखो लेकिन अब उसमें शेर की ताकत आ गई भाई,
अब वो जो पापा वो जानवरों को वो कर लेता है, बट ये हो चुका है दोस्तों गोवा में। सिंघम हैज बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स। हां सिंघम भी क्या है, शेर से काटे बिना सिंघम है यार, वो ऐसे भाग के जाता था, माथे मारता था और ये डांस स्टेप भी करता है भाई। कौन सा क्रेवन कम है, कोई सा क्रेवन सामने आ जाए तो अपना ओरिजिनल क्रेवन तो सिंघम ही है भाई। कहानी मुझे तो देखो, मैंने एरोस देखा हुआ है, वैसी कहानी लगी है, और बाकी अब फिल्म आएगी तब का तब पता चलेगा। मार्वल का भी लेकिन ड्यू है भाई, बहुत टाइम से दिया नहीं है उसने कुछ बड़ा हिट। शांची उनका सही आया, शांची आया था, और उसके बाद लास्ट ये जो गार्जियन ऑफ गैलेक्सी, इसकी तारीफें मैंने बहुत सुनी, मैं देख नहीं पाया कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन वही उतना बड़ा हिट नहीं हुई जो मार्वल्स की हुआ करती थी। डाउनफॉल अभी मार्वल्स का भी चल रहा है, तो देखते हैं मार्वल क्या बनाता है। बाकी गदर का तो अनाउंसमेंट उस पर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आदि पुरुष देखने जा रहे हैं भाई, 150 रुपए में गदर चल रही है थिएटर्स में, वो देख ले। वो देखा भाई जो माहौल बना हुआ है ना, एक दोस्त को ले जाओ, 300 रुपए खर्च लो, दोनों भाई बीच में नाचो तारा सिंह के डांस। हाँ भाई पठान लेवल की बातें चल रही है, लोग डांस रिक्रिएट कर रहे हैं। अपने अपने मुठियारों के साथ आप जाएं गदर देखने, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड। हमारा भी एक पुराना रिव्यू है गदर का, अगर वो आप ढूंढ के देखना चाहते हैं, नॉस्टैल्जिया में हमने किया था, तो वो देख ले, हम यहाँ वापस से डलवा देंगे उसका लिंक विंक। और घड़ी कौन सी पहनी हुई राजेश आपने, ये जरा आज आप बता दो। तो मैंने पहनी है पेबल्स वॉच, बिल्कुल इसकी ये देखो, ये बहुत सही है, ये स्ट्रैप अच्छा है भाई, मैग्नेटिक है यार। ओ नाइस, इट्स कॉल्ड कॉस्मोस वॉग 1.96 इंच का एमोलेड स्मार्ट वॉच, मतलब ये एमोलेड तो डिस्प्ले होता है, रिव्यू देख देख के मैं समझ चुका हूँ, और जितनी ज़रूरतें होती हैं एक स्मार्ट वॉच की ये सारी पूरी करती है। फीचर जिसके अंदर अगर मैं पढ़ दूँ, ब्राइट HD डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, मल्टी स्पोर्ट्स मोड्स, स्टेप पेडोमीटर, स्टेप काउंटर ही हो गया, मल्टीपल वॉच फेसेस मतलब वॉलपेपर आप बदल सकते हैं अलग अलग, और AI वॉइस असिस्टेंट। हे पेबल प्लीज डिलीट आदि पुरुष फ्रॉम थिएटर्स, इस तरह के कमांड आप दे सकते हैं, इनके बस के होगा तो ये कर देंगे। स्लीप मॉनिटर भी है, अलार्म एंड नोटिफिकेशंस भी है, भर भर के फीचर्स है इसके अंदर, और अफोर्डेबल दामों में ये उपलब्ध है, और 1 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी भाई, इसलिए वारंटी फिजिकल डैमेज पे नहीं होती दोस्तों, अंदरूनी कोई इसमें कमी निकल जाए तो ये आपकी बदल जाएगी, और काफी शानदार मतलब अलग से दिख रही है, महंगी दिख रही है। और हम आपको मिलेंगे अब अगले एपिसोड में, एक्सट्रैक्शन हमने देख लिया है और फ्लैश हम देखा है, देर गए दुरुस्त गए, लेकिन फ्लैश हम देखा है, तो अगले रिव्यू में उनकी बात करेंगे, उनकी बात ठीक है। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, साइनिंग ऑफ।